महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए गए कामों को गिनाते हुए दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के कई इलाकों में लगाए गए हैं पोस्टर। यह पोस्टर बस स्टैंड पर लगाए गए हैं ताकि सब लोग इसको पढ़ सके। इन पोस्टरों पर लिखा है कि महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा यात्रा शुरू की गई, साथ ही साथ बसों में मार्शल की नियुक्ति की गई कि महिलाएँ अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए गली में CCTV कैमरेज लगवाए गए, स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। इस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार यह बात कह रही है कि महिलाओं के लिए काफ़ी काम हम लोगों के द्वारा किया गया है और आने वाले समय में भी ऐसे करेंगे। तो ये सुनवाते हैं कि इस पर लोगों का क्या है कहना। केजरीवाल सरकार द्वारा जगह जगह पे पोस्टर्स लगवाए जा रहे कि महिलाओं के लिए ये किया वो किया, जैसे उनका कहना है कि बसों में मार्शल खड़े किए, तो क्या लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था इससे अच्छी हुई है? हाँ, वैसे पहले से तो अच्छी हुई है। बसों में मतलब हर बसों में मार्शल वो खड़े किए गए हैं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए। मैं पहले खुद भी बस में सफ़र करती थी, स्कूल जब जाती थी, तो मतलब वो लोग देखते हैं कि लड़के के लड़कियों के साथ बदतमीजी तो नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो वो उन्हें बस से उतार भी देते हैं। और अभी तो बसों में भी काफ़ी बसों में कैमरे भी लगवाए गए हैं, मैंने खुद देखा है DTC बसों में, और जगह जगह पे स्ट्रीट लाइट भी लगवाई गई है काफ़ी सारी, और काफ़ी सारे कैमरे भी लगवाए गए हैं। मेरे घर के पास भी 3-4 कैमरे हैं। तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से जो सरकार द्वारा की गई है, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? पहले से तो अभी सुरक्षित ही, जैसे इन लोगों ने कैमरे लगवाए और जो काम करवाया है, पहले से तो सुरक्षित ही महसूस करती होंगी, क्योंकि अगर कोई भी घटना होती है तो वो कैमरे में तो कैप्चर हो ही जाती है, और इस वजह से बाकी लोगों को भी फायदेमंद होगा। और पहले जैसे कैमरे नहीं होते थे तो उस टाइम प्रॉब्लम भी होती थी, कुछ पता नहीं चल पाता था कि क्या सच है क्या झूठ। तो एक महिला होने के साथ साथ आप सरकार से और क्या कहना चाहेंगी कि कुछ और करें? वो काम करवा रहे हैं, वो और कामों को बढ़ाए और महिलाओं को